नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। असम विधानसभा और स्थानीय निकाय की कितनी सीटों को राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित किया जाए, इसका पता लगाने के लिए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए उस बयान पर मचे बवाल के बाद सामने आया था, जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन की बात कही थी। बता दें कि इसके खिलाफ में राज्य के सामाजिक और छात्र संगठन ने बंद बुलाया था। जिस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, उसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय पर्यटन सचिव एमपी बेजबरुआ करेंगे। कमेटी का गठन 1985 के असम समझौते की धारा 6 के तहत किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि समिति असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में रोजगार के उचित स्तर की सिफारिश करेगी। समिति को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समिति के गठन का राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए कहा कि यह असम समझौते पर हस्ताक्षर के 35 साल बाद सामने आया है। धन्यवाद।